हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी व्लॉगर शालिनी। होपफुली आप सभी सेफ होंगे और अच्छे होंगे। सो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपने छोटे से गार्डन के लिए की हुई शॉपिंग जो मैंने फ्लिपकार्ट से की है। तो ये है इसका बॉक्स, तो सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेंगे। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं इसका बॉक्स मुझे काफ़ी डैमेज रिसीव हुआ है। आप देख पा रहे हैं बॉक्स की कंडीशन काफ़ी बुरी है, तो पता नहीं इसके अंदर का प्रोडक्ट मुझे किस तरह से रिसीव होगा। सो फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर देखते हैं जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है ये वर्थ करता है इसके अमाउंट या नहीं। तो इसका हॉनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब तक मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ, तब तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिए। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं पैकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, सिंपल एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक करके भेजा गया है। बॉक्स भी अच्छे क्वालिटी का नहीं था, बट 10 मुझे अच्छे कंडीशन में रिसीव हुए हैं विथआउट एनी डैमेजेस। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बट ये ज़्यादा स्टडी नहीं है, ओके ओके टाइप है। इसमें हम बेसिक प्लांटर ही रख सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के प्लांटर और ग्रो बैग। सीमेंट के प्लांटर हम नहीं रख सकते, सीमेंट के हम छोटे प्लांटर रख सकते हैं, 3 मीडियम साइज के प्लांटर रख सकते हैं। ये ज़्यादा वेट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ये 15 kg तक का वेट ही अफोर्ड कर पाएगा। इसके रिव्यू अच्छे लग रहे थे सो मैंने ऑर्डर कर लिया। इसे मैंने काफ़ी रिजनेबल प्राइस में रिसीव किया है, 420 रुपीज़ में मैंने इसे पैकअप 2 रिसीव किया है। कंडीशन अच्छी लग रही है, ओके ओके टाइप कंडीशन है इसकी। देखने में फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी है, एकदम स्लीक है, सॉफ्ट है एंड स्मूथ है। काफ़ी अच्छे फिनिशिंग के प्लांटर स्टैंड लग रहे हैं। सो गाइस, ज़्यादा स्टडी नहीं है, ओके ओके टाइप है, काफ़ी लाइट वेट है। हम इसमें 9 इंच के 3 पॉट इजीली इसमें हम रख सकते हैं। हम यहाँ से वहाँ इजीली मूव कर सकते हैं। इसमें ब्लैक पाउडर कोटिंग हुई है तो ये रस्ट अवॉइड करेगा और डर्ट अब्जॉर्बेशन भी करेगा। इजीली फ्लोर को हम क्लीन कर सकते हैं, बट स्टिल थोड़ी सी हाइट इसकी ज़्यादा होती तो बेटर रहता, लेकिन फ़िलहाल काम चल जाएगा। इसका डायमेंशन मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। ये रेक्टेंगल शेप का है, ये सेट ऑफ 2 है, मेटल से बना हुआ है, ब्लैक कलर का है। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे काफ़ी सेल लगती रहती है तो इसके प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, आप इसे विशलिस्ट करके रख दीजिए। जब भी आपको इसका प्राइस लो लगे तो आप इसे ज़रूर परचेस कर लीजिए। आप इसे मिनी गार्डन के लिए, बालकनी गार्डन के लिए या फिर किसी कॉर्नर में जो हम छोटा सा गार्डन बनाते हैं वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।